अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब दोस्त ठाक होंगे। आज की इस नई वीडियो में आप सब दोस्तों को वेलकम। आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों को सारा प्रोसेस बताऊंगा कि आप दोस्त किस तरह से पॉपुलर की प्रोपेगेशन या कटिंग्स जो हैं वो लगा सकते हैं। तो अगर आप दोस्तों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप दोस्तों को वक्त पर मौसूल हो सके। तो चलिए हम अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप दोस्त देख सकते हैं कि मैं इस वक्त पॉपुलर के पौधे के पास खड़ा हूं और यहां से हम जो सूटेबल शाखें होंगी वो काटेंगे। काटने के बाद हम उनकी जो कटिंग्स हैं वो बनाएंगे। सारा प्रोसेस मैं आप दोस्तों को आज की वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो भी शाखें होंगी कटर की मदद से हमें उनको इस तरह से कट कर लेना है। जैसे कि अभी आप दोस्त देख रहे हैं सारा प्रोसेस कि मैंने ये दो शाखें जो थी ये कट कर ली हैं, और कट करने के बाद मैं इनके जो ऊपर ये इजाफी पत्ते वगैरह हैं ये इनको निकाल दूँगा यहाँ से। ये देखें आप दोस्त देख सकते हैं, और ये निकालने के बाद हमने इनकी जो कटिंग्स होती है वो बनानी होती हैं। अगर कटिंग बनाने का जो तरीकाकार है वो सारा सेम होता है। वो मैंने गुलाब की जो कटिंग्स थी वो वाली जो वीडियो थी उसमें भी मैंने आप दोस्तों को प्रोसेस सारा दिखाया था, बताया था। अभी मैं आ चुका हूँ उस जगह पे जहाँ पर हम आज ये कटिंग्स लगाने जा रहे हैं। ये क्यारी आप दोस्त देख सकते हैं, इसको हमने थैली यहाँ पर भरी हुई है और उसमें हमने पहले से पानी लगा दिया था ताकि जो थैलियों के अंदर मिट्टी है वो सारी गीली हो जाए। अब मैं आप दोस्तों के सामने ये कटिंग जो इनकी कटाई करूंगा, और ये प्रोसेस मैं आप दोस्तों को जो पिछली मेरी एक गुलाब के बारे में वीडियो थी उसमें भी मैं आप दोस्तों को ये प्रोसेस सारा दिखा चुका हूं। तो बेसिकली जो कटिंग होती है उसको कट करने का, काटने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि आपने एक बड जो होता है वो नीचे लाजमी छोड़ना होता है ताकि जो हिस्सा ज़मीन के अंदर जाता है वहाँ पर बड होगा तो वहीं से वो अपनी जड़ें निकालना शुरू करता है पौधा। तो इसलिए ये ज़रूरी होता है कि आप एक बड नीचे लाजमी छोड़ें, और दो से तीन बड जो होते हैं वो हमने ऊपर छोड़ने होते हैं जहाँ से वो पौधा अपनी ग्रोथ आसानी से स्टार्ट करता है। तो अभी ये देखें एक बड यहाँ पर मौजूद है, दूसरा, तीसरा, चौथा, और मैं इन चारों बड्स को छोड़ के यहाँ से इसको कट करूँगा। तो जब वो कट हो जाएगी तो यहाँ पर नीचे फिर से बड आ जाएगा। इसी तरह से मैं कटिंग करता जाऊँगा इनकी, तो एक बड जो नीचे होगा बाकी बड जो होंगे वो ऊपर होंगे। इस तरह से सारी जो कटिंग्स होंगी वो मैं बनाता जाऊंगा। बनाने के बाद मैं आपको थोड़ा सा क्लोज करके भी ये सारी दिखाता हूँ। तो ये मैंने कटिंग्स जो बनाई हैं ये आप दोस्त देख सकते हैं कि एक बड ये नीचे मौजूद है और तकरीबन तीन से चार बड हर एक कटिंग में, ये देखें ये बड नीचे मौजूद है और तीन से चार बड जो हैं वो ऊपर मौजूद हैं। इसी तरह से सारी कटिंग्स जो होती हैं बनके तैयार हो जाती हैं। तो अब ये वाली जो कटिंग्स हैं ये बिल्कुल रेडी हैं लगाने के लिए। तो अब मैं लगाने का जो तरीका कार है कि हम किस तरह से लगाएंगे वो आपको बता देता हूँ वीडियो के अंदर, आपने अच्छे से वो देख लेना है। इसी तरीक़े को आप दोस्तों ने फॉलो करना है तो इंशाल्लाह आप बिना किसी परेशानी के जो कटिंग्स हैं पॉपुलर की ये लगा सकते हैं। तो लगाने का जो तरीका कार है ये अभी मैं यहाँ पर लगा के दिखाऊंगा आप दोस्तों को कि आपने जो आपकी कटिंग होगी उसको तकरीबन कितना मिट्टी के अंदर लगाना है, ये आप दोस्तों ने गौर से देखना है। ये देख सकते हैं आपने जो कटिंग लगानी है मिट्टी के अंदर वो इस हिसाब से लगानी है कि जो नीचे वाला बड है वो अच्छी तरह से मिट्टी के अंदर चला जाए। इस लेवल तक आपने तकरीबन एक इंच, अगर हम वैसे बात करें तो एक इंच आपने मिट्टी के अंदर उसको दबा देना है। तो जब सारी लग जाएंगी, मतलब कि आप जब तैयार कर रहे हैं सारी आपकी कटिंग्स तैयार हो जाएंगी। अभी मैं तो जस्ट आपके लिए एक ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं अभी यहाँ पे सारी तो नहीं लगा सकता। तो एक प्रोसेस मैंने आप दोस्तों को यहाँ पे समझा दिया है। जब सारी लग जाएंगी तो इनके ऊपर शॉपर वगैरह से कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ओपनली ऐसे ही तैयार हो जाएगी। तो अभी माशाल्लाह से जनवरी का जो महीना है ये सबसे बेहतरीन महीना है किसी भी पौधे की जो कटिंग्स आप लगाते हैं उनके लिए। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आप दोस्तों को ज़रूर अच्छी लगी होगी।
तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं आप दोस्तों के लिए इसी तरह की मज़ीद पौधों के बारे में मालूमाती वीडियोज़ लेकर हाजिर होता रहूँगा। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।